एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एसटी बस को ट्रक की टक्कर, देशमुख के साथी की एचसी में याचिका, ओबीसी आरक्षण सुलझने तक चुनाव नहीं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बरबसपुरा बस स्टॉप पर खड़ी एसटी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार तुमसर से गोंदिया आ रही एसटी बस बरबसपुरा बस स्टॉप पर शाम 6 बजे के दौरान पहुंची, तभी आदानी प्लांट से राख लेकर जा रहे ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक मोबाइल पर बात कर रहा था, जिससे बस रुकी है यह उसके ध्यान में नहीं आया और यह घटना हो गई। गंगाझरी के थानेदार पोपट टेड़े कर तत्काल मौके पर पहुंच गए, लेकिन घटना तिरोड़ा सीमा में होने से तिरोड़ा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। घटना में बस को नुकसान पहुंचा है, वहीं कोई जनहानि नहीं हुई। दूसरी खबर, मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पूर्व सहायक संजीव पलांदे की याचिका पर ईडी को हल्फनामा दाखिल कर निर्देश दिया। पलांदे ने एजेंसी द्वारा दायर किए धन शोधन के मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। देशमुख के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहे अतिरिक्त जिलाधीश रैंक के अधिकारी पलांदे को ईडी ने धन शोधन मामले में 26 जून को गिरफ्तार किया था। वह अभी न्यायिक हिरासत में है। इस हफ्ते दायर याचिका में पलांदे ने मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। तीसरी खबर, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझने तक राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। इस बात पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने एकमत से सहमति जताई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर गेस्ट हाउस में एक सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक के बाद राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय ने कहा कि सभी दलों के नेताओं ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझने तक राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं कराए जाने पर सहमति जताई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि डाटा को प्राप्त करने के लिए अदालत गए हैं और जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। बैठक में मुख्यमंत्री ठाकरे, विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर, कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल, विजय अशोक चौहान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले समेत कई नेता मौजूद थे। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं।